आवाज कैसी है? हम जब बात करते हैं तो कोई भी बीच में आवाज नहीं करता, घड़ी भी नहीं। कौन है ये आदमी? लिया है, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानता। आज हम जिस फिल्म पर वीडियो लेकर आए हैं, उस तरह की कहानियों पर इससे पहले हॉलीवुड में ही फिल्में बनती थी। टाइटल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 27 जून 1988 को आई एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी मल्टी स्टारर कमांडो की, जिसे कम बजट में सफल फिल्में देने वाले बब्बर सुभाष ने लिखा और निर्देशित किया था। तो MR प्रोडक्शन के तहत मुशीर रियाजिश के निर्माता थे। मिथुन चक्रवर्ती फिल्म के मेन अभिनेता और मंदाकिनी मेन अभिनेत्री थी। तो सहायक अभिनेता में हेमंत बिरजे, किम यशपाल, शशि कपूर, असरानी, सतीश शाह, दिलीप ताहिल, ओम शिवपुरी और खलनायक की भूमिका में अमरीश पुरी, शक्ति कपूर और डनी डंजोम्पा नजर आए थे। फिल्म का संगीत तैयार किया था 80 के दशक के सबसे लोकप्रिय संगीतकार बप्पी लहरी ने, और गीत लिखे थे अनजान ने, और सभी गीतों को अपनी आवाज से सजाया था किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह, विजय बेनिडिक्ट, आशा भोसले और अलीसा चिनाई ने। कमांडो फिल्म का गीत संगीत बस ठीक ठाक ही था। 2 घंटे 30 मिनट की इस फिल्म को अगर 4.5 out of 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था, और रिलीज के बाद ये तकरीबन इतनी ही कमाई कर बिलो एवरेज रहकर टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट से भी बाहर थी। वैसे अगर साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो 8 करोड़ की कमाई के साथ ब्लॉकबस्टर रहकर तेजाब टॉप पर थी। तो ये तो बात रही कमांडो से जुड़ी कास्ट, बजट और कमाई के कुछ आंकड़ों की। अब बात करते हैं इसके अनसुने किस्सों की। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इस तरह की फिल्में अक्सर हॉलीवुड में बनती थी, तो इसका एक कारण था फिल्म का केंद्र बिंदु पॉलिटिकल होना। क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद ज्यादातर फिल्मकार उनकी भूमिका को अपनी फिल्म से जोड़ना चाहते थे, जिसके बाद न केवल कमांडो बल्कि इससे पहले आई कई फिल्मों में भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ उनसे प्रेरित भूमिकाएं रखी गई थी, जिसमें 1985 में आई लवर बॉय और 86 में आई जोम्बीज के अलावा कई और ऐसी फिल्में थी जिनमें इंदिरा की भूमिका को किसी न किसी तरह दिखाया गया था। वैसे कमांडो में इंदिरा की भूमिका में आशा शर्मा थी, जिनकी लुक वैसे तो इंदिरा से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन भूमिका छोटी थी। और निर्माता मुशीर रियाज जिन्होंने फिल्म में पैसा लगाया था, उन्हें आखिरी सफलता 1982 में आई शक्ति के जरिए मिली थी, क्योंकि इसके बाद वे 1985 में आई जबरदस्त और 86 में आई समुद्र के जरिए काफी नुकसान झेल चुके थे। लेकिन इस बार सफलता का स्वाद चखने के लिए उन्होंने कम बजट में सफल फिल्में बनाने वाले बब्बर सुभाष को निर्देशन का जिम्मा सौंपा, जो 1982 में आई डिस्को डांसर, 84 में आई कसम पैदा करने वाले की और 85 में आई टार्जन जैसी बेहद लोकप्रिय और सफल फिल्में बना चुके थे। लेकिन कमांडो दूसरे निर्माताओं के साथ बब्बर सुभाष की आखिरी फिल्म थी। वैसे सुभाष ने फिल्म में ज्यादातर उन्हीं सितारों को कास्ट किया था जो उनके 1987 में डांस डांस में भी नजर आए थे, जिसमें सतीश कौल और सरला युगलंकर तो फिर एक बार मिथुंदा के माँ बाप की भूमिका में भी थे। शशि कपूर, हेमंत बिरजे, किम यशपाल और डैनी ऐसे थे जो इस फिल्म में नहीं थे, लेकिन सभी के साथ इससे पहले वे फिल्में बना चुके थे। वैसे कमांडो टाइटल सुन के ही लगता है कि फिल्म एक्शन से भरपूर होगी, क्योंकि इससे पहले हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड की 1985 में जो कमांडो फिल्म आई थी उसमें भर भर कर एक्शन सीन रखे गए थे, इसलिए बॉलीवुड फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। हालांकि इसके बाद कमांडो की तर्ज पर 1994 में मिथुंदा, सनी देओल, मनीषा कोइराला और दीप्ति भटनागर को लेकर ब्लैक कैट कमांडो फिल्म की घोषणा की गई थी, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सदा के लिए डिब्बा बंद हो गई। लेकिन इसके बाद 21वीं सदी में जरूर कमांडो को सीरीज बनाकर पेश किया गया, जिसमें 2013, 17 और 19 में फिल्में रिलीज हुई थी। वैसे सभी फिल्मों की कहानी अलग थी, लेकिन 1988 और 2013 में आई कमांडो में 2-3 सीन समान थे, और सीन की बात चल रही है तो कमांडो के कई सीन हॉलीवुड की दो फिल्मों से प्रेरित थे, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती और हेमंत बिरजे का एक सीन 1968 में आई वेयर ईगल्स डेयर के एक सीन से प्रेरित था, तो मिथुन मंदाकिनी का भी एक जंगल वाला सीन 1985 में रोमांसिंग द स्टोन में माइकल डगलस और कैथरीन के एक सीन की कॉपी था। वैसे 1982 में डिस्को डांसर और 85 में एडवेंचर ऑफ टार्जन के बाद बब्बर सुभाष की फिल्मों में एक बार फिर किम यशपाल और हेमंत बिरजे की वापसी तो हुई, लेकिन इस बार उन्हें इतनी दमदार भूमिका नहीं मिली।
क्योंकि दोनों ही सहायक भूमिका में थे। हालांकि हेमंत तो फिर भी इसके बाद सहायक भूमिका कर अपना करियर लंबा खींच गए, लेकिन वर्ल्ड वाइड बॉलीवुड की पहली 100 करोड़ डिस्को डांसर जैसी इतनी बड़ी फिल्म की हीरोइन किम को तो इसके बाद सहायक भूमिका भी करने को नहीं मिली, क्योंकि इसके बाद उन्हें बतौर डांसर आइटम नंबर करने को ही मिल रहे थे। वैसे ऐसा कहा जाता है कि किम को ज्यादातर फिल्में डैनी की बदौलत ही मिली थी, क्योंकि 80 के दशक में दोनों का रोमांस चरम पर था। लेकिन सन 1990 में डैनी और गावा की शादी के बाद दोनों का अफेयर वहीं खत्म हो गया। वैसे कमांडो के संगीत से संबंधित भी कई किस्से बेहद खास हैं, क्योंकि बप्पी लहरी ने इससे पहले मुशी रियाज के निर्माण के तहत बनी केवले की फिल्म सन 1980 में ही अपने पराई में ही संगीत दिया था, लेकिन बब्बर सुभाष की तो वे सन 82 में तकदीर का तमाशा से ही चहेते बन गए थे, और न केवल वे बल्कि अनजान भी उनके परमानेंट गीतकार बने हुए थे। इसलिए कमांडो का गीत संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी भी बब्बर सुभाष ने उन्हें ही सौंपी थी, लेकिन इस बार उनके संगीत का जादू पिछली फिल्मों जैसा नहीं था। हालांकि बपीदा को साइन करने का फायदा एक ये था कि किशोरदा मिथुनदा के लिए गीत गाने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि मिथुनदा से शादी करने के लिए किशोरदा की तीसरी पत्नी योगिता ने उन्हें तलाक दे दिया था, जिसके बाद एक समय के लिए किशोरदा ने मिथुन के लिए गाना बंद भी कर दिया था। लेकिन आर डी बर्मन और बप्पीदा जिन फिल्मों का संगीत तैयार करते थे किशोरदा गाने को तैयार हो जाते थे, लेकिन कमांडो में किशोरदा ने केवल एक ही गीत गाया था जो सन 1987 में उनकी मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया था। और संगीत की बात चल रही है तो सतीश शाह फिल्म में संगीत प्रेमी की भूमिका में थे, खासकर किशोरदा और आशा भोसले के, क्योंकि फिल्म के एक सीन में जब वे मिथुनदा और मंदाकिनी को गीत गाने पर मजबूर करते हैं तो गा गा रे गा गाड़ी चले गीत किशोरदा और आशा भोसले की आवाज में था। वैसे मिथुनदा और मंदाकिनी सन 86 में इजाल के बाद लगातार फिल्में कर रहे थे। सन 87 में आई डांस डांस और जीते एहसान के बाद दोनों की वैल्यू और भी बढ़ गई थी, लेकिन कमांडो के बाद इसी साल के आखिर में अग्नि में दोनों ने भाई बहन बन सभी को चौंका दिया। वैसे इसके बाद अगले साल अनिल कपूर और मीनाक्षी सेसादरी ने भी कुछ ऐसा ही धमाका किया था। दोनों ने इस साल 3 फिल्मों में काम किया, लेकिन इंतकाम में दोनों भाई बहन की भूमिका में थे। वैसे कमांडो में मिथुनदा ऐसी भूमिका में थे जिसमें उन्हें बेहद ही कम पीटते दिखाया गया था। यहाँ तक कि हेमंत बिरजे के साथ सीन में तो ऐसा था कि हेमंत उन्हें एक पंच भी नहीं मार पाए। वैसे 80 के दौर के खलनायकों की लुक पर भी बात करें तो उस दौर में अमरीश पुरी की लुक सबसे अलग होती थी, और ये सब हुआ था सन 84 में हैरिसन फोर्ड के साथ आई इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम की वजह से, क्योंकि अमरीश पुरी इसके बाद न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए थे, और उनकी इसी लोकप्रियता को बनाने के लिए फिल्मकार उनकी लुक पर खासा ध्यान देने लगे थे। और कमांडो के साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि लुक के साथ उनका नाम भी मार्सलोनी जर्मन लहजे का था। वैसे अमरीश पुरी के अलावा डैनी भी इंटरनेशनल लुक में निंजा नामक भूमिका में थे, जिन्हें अमरीश पुरी जापानी कहकर बुलाते थे। ये मेरा दोस्त निंजा है। हाय हाय। जापान से बाहर यही एक कंप्लीट निंजा है। वैसे कमांडो के सिनेमेटोग्राफर राधु कर्माकर की भी बात की जाए तो वे शोमैन राज कपूर और बब्बर सुभाष दोनों के ही चहेते थे, क्योंकि दोनों के निर्देशन में बनी ज्यादातर फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी उन्होंने ही की थी। हालांकि दोनों के काम करने का तरीका अलग था, लेकिन ज्यादा उम्र होने से वे और ज्यादा काम करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए कमांडो बब्बर सुभाष के साथ उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। हालांकि इसके बाद राज कपूर की एक अधूरी रही फिल्म हिना की जरूर उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की, जिसे बाद में रणधीर कपूर ने पूरा किया था। वैसे चहेतों की बात चल रही है तो बप्पी लहरी और राधु कर्माकर की तरह मिथुनदा भी बब्बर सुभाष के चहेते थे, क्योंकि खुद के निर्माण में बनी ज्यादातर फिल्मों के मेन अभिनेता वे ही थे, जिनमें सभी फिल्में काफी हद तक सफल भी थी। लेकिन कमांडो के बाद बब्बर सुभाष का जलवा पुस हो गया और वे एक भी सफल फिल्म नहीं दे पाए। यहाँ तक कि मिथुनदा के साथ सन 1990 में आई प्यार के नाम कुर्बान, जिससे उन्हें काफी उम्मीदें थी, वो भी उन्हें सफलता नहीं दिला पाई। वैसे कमांडो फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी और फिल्मिस्तान स्टूडियो से शुरू होकर कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में जाकर खत्म हुई थी, जहां सेट लगाने और सीन शूट करने में ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि तब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जिससे ज्यादातर रोड भी ब्लॉक थे। तो ये तो बात रही कमांडो से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 34वीं फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो इसे एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली कमांडो के वैसे तो बहुत से सीन हॉलीवुड फिल्मों से उठाए गए थे, लेकिन फिर भी फिल्म एक बार देखने में मजेदार लगती है, क्योंकि एक्शन के साथ सभी की अदाकारी दमदार थी। लेकिन फिर भी कई भूमिकाएं ऐसी थी जिन्हें दिखाने का मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें फिल्म की लंबाई बढ़ाने के लिए शो पीस की तरह इस्तेमाल किया गया था। कमांडो फिल्म पर आज की पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।